तो ज्यादातर जो है ना वो कहा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब इस फॉर्म के नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जनरल फॉर्म है जिसमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है रियल नंबर को और आयोटा वाई रिप्रेजेंट कर रहा होता है इमेजिनरी नंबर को। अब क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। सही है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और हम क्या करते हैं, इसी को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब यहाँ पे पहले हमेशा पहली जगह पर हमेशा रियल पार्ट आता है और दूसरी जगह पे हमेशा इमेजिनरी पार्ट आता है। सही है। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो इसका रियल पार्ट क्या है एक्स, तो यहाँ एक्स रखा जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, आयोटा को छोड़ के जो नंबर लिखा हुआ है, मतलब आयोटा का जो कोफिशियंट है, तो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, वाई है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वाई। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, देखो वैसे तो हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था कि 1.2, 3.2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल ये पॉइंट्स होते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर को कब रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के दरमियान में प्लस की साइन आ जाए, माइनस की साइन आ जाए, मल्टीप्लाई की साइन आ जाए, डिवाइड की साइन आ जाए, इनका मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में प्लस की साइन आ जाए, जैसे कि 1.2 प्लस 2.3, जैसे 1.2 माइनस 2.3, जैसे कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.3, या फिर 1.2 डिवाइडेड बाय 2.3। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनके दरमियान में प्लस की साइन, माइनस की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, डिवाइड की साइन आ गई, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। सही है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 1.2 लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 1 लिखूंगा, इस कॉमा को हटा दूंगा, कॉमा की जगह आएगी प्लस की साइन। जी बेटा मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से अगर मैं, जी बेटा कर दिया मैंने ऐड। अच्छा, 1.2 की मैंने क्या बात कही कि इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने 1 लिखा, कॉमा हटा के प्लस की साइन लिख दी, 2 लिख दिया। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर तो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है कि पहला रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। अगर मेरे सामने अब ये फॉर्म नहीं है तो मैं इसको देख के नहीं बता सकता कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 के साथ आयोटा लगाना पड़ेगा ताकि मैं ये वाजे कर सकूं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरीके से अगर आपके पास 2.3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 लिखा आपने, कॉमा की जगह प्लस की साइन आ गई, 3, और 3 के साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। सही। अगर आपके यहाँ लिखा हुआ है 2.-3, तो अब क्या होगा, आपने क्या करा भाई, 2 लिखा प्लस की साइन, -3 के साथ हम क्या लगा देंगे, आयोटा, तो ये हो जाएगा 2-3 आयोटा।
तो हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। असल जो चीज़ अब हमें सीखनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। जी, कॉमा की जगह हमेशा प्लस की साइन आएगी जब भी हम इसको चेंज करेंगे दूसरी फॉर्म में। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है 7, -9 +3, 5। हमें अब इन दोनों को आपस में ऐड कराना है। दो तरीके हैं इनको ऐड कराने के, दो मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मेथड 1, एक तरीका क्या है कि आपने क्या करा, 7 लिखा, कॉमा की जगह आपने लिखी प्लस की साइन, माइनस के 9 के साथ आपने क्या लगा दिया, आयोटा। ये वाली प्लस की साइन नीचे आ गई, 3 आ गया, कॉमा की जगह प्लस की साइन, 5 के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास 7 -9 आयोटा + 3 + 5 आयोटा। होगा क्या, रियल पार्ट रियल पार्ट से ऐड होगा, मतलब 7 + 3 हो जाएगा और -9 आयोटा + 5 आयोटा हो जाएगा। ये दोनों ऐड जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 9 और 5, 9 में से 5 किया तो माइनस का 4 बचा आयोटा के साथ। इसी वैल्यू को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या करा, रियल पार्ट लिखा, रियल पार्ट क्या है 10, इमेजिनरी पार्ट लिखा, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा का कोफिशियंट, मतलब -4। तो एक रास्ता तो ये हो गया इसको ऐड कराने का, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। दूसरा मेथड जो बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा मेथड है वो, ये कि आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से इसको कन्वर्ट ना करें। क्या करें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में ऐड करा दें, मतलब रियल पार्ट में ऐड होगा, इसका रियल पार्ट ये रहा, इसका रियल पार्ट ये रहा 7 + 3, कॉमा इसका इमेजिनरी पार्ट -9 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड होंगे, मतलब -9 + 5, तो ये आ जाएगा 10, -4। तो दूसरा रास्ता ये है। ये तरीका इसलिए बताया कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। आप जो है मेथड 2 को फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है बोर्ड में। वैसे तो ये सवाल आएगा तो एमसीक्यू के अंदर ही आएगा क्योंकि बहुत ही छोटा सवाल है। इसको यहाँ तक कॉपी कर लें, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ पूछ लें हम मुझसे। बेटा इस फॉर्म का नाम कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं इसको। या तो आप x प्लस आयोटा वाई लिख दें या फिर x कॉमा वाई लिख दें, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। सही है, मैंने ये कहा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, ये इसकी जनरल फॉर्म है। x जो है वो रियल नंबर है, आयोटा वाई जो है वो इमेजिनरी नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो जो नंबर बन गया वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब है आपने क्या करा, रियल पार्ट लिखा, रियल पार्ट एक्स उसको पहले लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को छोड़ के जो नंबर है उसको आपने बाद में लिख दिया। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रास्ते हैं इसको लिखने के लिए। नहीं बेटा कोई भी एक मेथड कर लें, दोनों थोड़ी करने। जी बेटा ऑर्डर्ड पेयर में, क्योंकि सवाल दिया हुआ है तो आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में देना है। देखो पहला वाला अगर आपको समझना है मेथड तो मैं समझा देता हूं। इसमें ही लिखा हुआ है 7 - 9, 7 - 9 को हमने कन्वर्ट करा इस फॉर्म में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो असल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट किया। क्या किया आपने, 7 एज इट इज लिख दिया, मैंने कहा कॉमा होगा तो कॉमा की जगह प्लस की साइन आएगी और जो भी नंबर है उसके साथ आयोटा आ जाएगा।
तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 9 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 9 हो गया। तो ये जो नंबर है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ये इसमें कन्वर्ट हो गई। इसकी अगर बात करूं तो आपने क्या करा, 3 एज इट इज लिख दिया, बीच में कॉमा है तो प्लस की साइन लिख दी, 5 के साथ आपने लगा दिया आयोटा। सही है, जो दूसरा नंबर होगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में उसके साथ आप क्या लगा देंगे, आयोटा। 7 और 3 दोनों आपस में ऐड होंगे, इनको साथ लिख दिया और आयोटा वाली वैल्यू उसको साथ लिख दिया, 7 प्लस 3 10 हो गया, -9 आयोटा प्लस 5 आयोटा -4 आयोटा हो गया। इसको वापस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे, 10, -4 लिख देंगे। मेथड 2 मैंने ये बताया आपको, बेटा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं। एक्स कॉमा वाई, एक्स आ जाए ना जिसमें एक्स और वाई आ जाए, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं। अच्छा, मेथड 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो क्या है, पहला रियल है इसका, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहली चीज है वो रियल पार्ट है। इसका रियल पार्ट क्या है, 3। रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। इसका इमेजिनरी पार्ट -9 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, मतलब 7 और 3 ऐड होंगे आपस में, तो 7 प्लस 3 कॉमा -9 और 5 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस 5, तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। बेटा इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। एक और फॉर्म होती है का क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो पोलर फॉर्म होती है, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो फेडरल बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है, तो इसको मैं अभी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दो फॉर्म्स होती हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है और एक पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म फेडरल बोर्ड में क्योंकि पढ़ाई जाती है, पंजाब बोर्ड के अंदर, तो उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, खामखा आप लोग जो है वो बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि x प्लस आयोटा वाई और x कॉमा वाई जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस फॉर्म को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं। जी, पोलर फॉर्म जो है वो फेडरल बोर्ड के अंदर है, पंजाब बोर्ड में, सिंध बोर्ड में नहीं है। इसको कॉपी कर लें तो मुझे जो है वो बता दें ताकि हम आगे चलें। बेटा अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, गवर्नमेंट ने तो ये 15 सितंबर ऐलान किया है कि तालीमी इदारे खुलेंगे, तो जब तक तो अभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कह सकते ये कॉलेज में एडमिशन कब होंगे। और 15 सितंबर के बाद में उन्होंने कहा है कि सोचेंगे कि कॉलेजेस खोलने, तालीमी इदारे खोलने या नहीं खोलने, मतलब 15 सितंबर पे सोचेंगे कि खोलें या ना खोलें, हो सकता है एक्सटेंड कर दें, तो अभी कुछ नहीं पता। इसको कॉपी कर लें सब लोग तो मुझे जल्दी से बता दें ताकि हम आगे चलें। नहीं बेटा, पार्ट 2 ना करें अभी, पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगी, वो मैं बताऊंगा कैसे होगी। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करा रहा हूँ मैं। पार्ट 3 में कहा जा रहा है 7 कॉमा -9 माइनस 3.5। एडिशन की बात आ जाए, सब्ट्रैक्शन की बात आ जाए, काम एक ही तरीके से होगा क्योंकि दोनों जगह ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो रियल पार्ट कहलाती है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस होंगी, मतलब ये होगा 7 और 3 लिखेंगे और बीच में माइनस की साइन, कॉमा, रियल पार्ट आपस में माइनस हो गए, इमेजिनरी पार्ट जो है -9 है और इसका जो है वो 5 है, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, मतलब इन दोनों के दरमियान में माइनस की साइन आएगी, -9 -5।
तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 4, -14। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट टू अब मैं आपको समझाता हूँ। कहा जा रहा है 7, -9 मल्टीप्लाई बाय 3, 5। सो ये पार्ट टू में बेटा मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन कराते वक्त ऐसा नहीं होगा कि रियल रियल से ही मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। आप सबसे पहले तो इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में आप इसको कन्वर्ट करें। 7 लिखा हुआ है, आपने 7 लिख दिया, दैट इज कॉमा हटेगा तो प्लस की साइन आएगी, -9 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 3 रियल पार्ट है, 3 एज इट इज आ गया, कॉमा की जगह प्लस की साइन आ गई, 5 क्या इमेजिनरी पार्ट, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि पहला रियल है हमेशा, दूसरा इमेजिनरी है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 7, -9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, +5 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी, जिस तरीके से दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वैसे ही, 7 जाके पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 7 3 21, फिर 7 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 7 5 35, और उसके साथ आ जाएगा आयोटा। माइनस का 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 9 3 27 आयोटा, और माइनस का 9 आयोटा मल्टीप्लाई होगा जाके 5 आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 4 9 5 45 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर जो है बराबर है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। यहां पे दोनों वैल्यूज के साथ क्योंकि आयोटा लिखा हुआ है, तो दोनों वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगी, 35 -27, इन दोनों में माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 8 और साथ में आ जाएगा आयोटा। माइनस का 45 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया हमने, तो ये आ गया 21 + 8 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 45, 21 और 45 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 66 + 8 आयोटा। और इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है आपको, तो करेंगे क्या, रियल पार्ट लिखेंगे पहले, मतलब 66, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा को छोड़ के जो भी वैल्यू आप वो लिख देंगे, तो हमारे पास इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, मतलब हमारे पास इसका आंसर ये हो जाएगा। कॉमा लगाए तो बेटा बीच में लगा दिया ना, 66, 8 लिख दिया, जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करा तो हमने कॉमा लगाया। क्या चीज कॉमन, नहीं कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है ना इसको, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। पार्ट 5 भी देखिएगा, 2x, 3y मल्टीप्लाई बाय 2x, -3y, जी बेटा उमर, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा होता है, सही। अब यहाँ पे क्या करा आपने, 2x लिखा हुआ है, 2x लिख दिया, कॉमा की जगह आपने प्लस की साइन लगा दी, रियल पार्ट कॉमा की जगह प्लस की साइन, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3y, इसके साथ क्या लगा देंगे आयोटा। इसी तरीके से 2x एज इट इज लिखा, कॉमा की जगह आएगी प्लस की साइन, -3y के साथ आ जाएगा आयोटा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x + 3y आयोटा
मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3y आयोटा, दोनों वैल्यूज में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब हमारे पास का रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x² माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 3 का स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर, वही बात आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 4x² माइनस माइनस प्लस 9y². अब बच्चों बात को समझना, यहाँ पे इसको हमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें कैसे, यहाँ पे आपके पास ये दोनों के दोनों क्या है, रियल है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर अब आपके पास कहीं पर नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे आप देखें नीचे तो इमेजिनरी नंबर नहीं है क्योंकि आयोटा वाला नंबर आपको नहीं दिख रहा, जिस सवाल में आयोटा नहीं होता उसका मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा हुआ है 2, 2 एक रियल नंबर है, सही है, रियल नंबर है, इसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ ये लिख सकता हूँ प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 2 प्लस 0 आयोटा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, 2 एक रियल नंबर है, रियल नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0, सही है, 2 प्लस 0 आयोटा 2 के बराबर होगा, और 2 क्या है, एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिखा था, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा था, सही है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को देख के क्या पता चला कि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे आपको आयोटा वाला नंबर नहीं दिख रहा, जहां पे आयोटा नहीं होगा वहां पे हम क्या कह देंगे, इसको 0 आयोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट लिखना है, रियल पार्ट क्या है, वो वैल्यू जहां पे आयोटा नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज में आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट होंगी और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, मतलब ये है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास का आंसर होगा, बात आ रही है समझ में, नहीं बेटा मैंने क्या कहा था, कोफिशियंट सिर्फ कब लिखना है, जब आयोटा हो तो आयोटा का कोफिशियंट लिखना है, बाकी आयोटा वाली वैल्यू को छोड़ के जो भी वैल्यू है ना वो पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, पूरी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, कोफिशियंट्स नहीं लिखे जाएंगे, जहां पे आयोटा लिखा होगा वहां पे आयोटा का कोफिशियंट लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट में, मतलब आयोटा को छोड़ के जो नंबर है वो लिखेंगे, ओके बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। कौन से कोचिंग में बेटा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कोचिंग से पढ़ा रहे हैं बेटा, घर से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सिक्स, माइनस टू कॉमा वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू बाय फाइव कॉमा माइनस वन बाय फाइव। यहाँ पे भी क्या करना है, माइनस टू लिखा आपने, कॉमा की जगह प्लस की साइन आ गई, वन के साथ आयोटा आ जाएगा, तो वन के साथ आयोटा का मतलब है ये आयोटा बन जाएगा। यहाँ पर आ जाए तो टू अपॉन फाइव रियल पार्ट है, कॉमा की जगह प्लस की साइन, और इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस वन अपॉन फाइव, इसके साथ आ जाएगा आयोटा। तो ये आएगा माइनस टू प्लस आयोटा, माइनस टू अपॉन फाइव माइनस आयोटा अपॉन फाइव हो जाएगा। तो माइनस टू प्लस आयोटा, ये एलसीएम ले लेंगे ताकि काम आसान हो जाए, एलसीएम फाइव रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। अब यहाँ पे माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस टू से, तो माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस टू आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस टू से, तो इसका मतलब है माइनस टू आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके नीचे वन है और इसके नीचे फाइव है, तो वन और फाइव मल्टीप्लाई होगा, नीचे फाइव आ जाएगा। वही बात है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम रख देंगे माइनस वन, तो ये आ जाएगा फोर, टू आयोटा से टू आयोटा कैंसिल, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ गया, तो ये फोर प्लस वन अपॉन फाइव मीन्स ये हो जाएगा फाइव अपॉन फाइव, तो हमारे पास वन आ गया। वन का मतलब रियल नंबर आ गया, रियल नंबर का मतलब क्या है, इसके साथ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वन कॉमा वन रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा, जीरो। तो वन कॉमा जीरो इसका ये आंसर हो जाएगा। कोई मसला इस सवाल में, कोई परेशानी, कोई टेंशन? ठीक है, इसको कॉपी कर लें, तो फिर हम डिवीजन की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर डिवाइड कराया जा रहा है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। नहीं, फोर वन से क्यों मल्टीप्लाई होगा बेटा, फोर प्लस वन हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस की साइन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करा देंगे तो फाइव अपॉन फाइव वन आएगा, तो इसको वन कॉमा जीरो लिखेंगे हम। कर लें इसको कॉपी, तो बता दें मुझे। ओके, एक मिनट रुकिए।
अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 डिवीजन की बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा हमारे पास 7, -9 डिवाइडेड बाय 3, 5। इसको एक्स प्लस आयोटा वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, 7 लिखा आपने, कॉमा की जगह प्लस की साइन आएगी, प्लस माइनस, -9 हो जाएगा और 9 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा, नीचे 3 आ जाएगा एज इट इज, कॉमा की जगह प्लस की साइन आ जाएगी और 5 के साथ आ जाएगा आयोटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा 3, -5 आयोटा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या कहती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि जो आने वाला नंबर है वो रियल बन जाए। सही है, मतलब 3, +5 आयोटा को अगर मैं 3, -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो जाएगा a²-b² का, ए यहाँ पे 3 होगा, बी यहाँ पे 5 आयोटा होगा, मतलब 9, -25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह 25 आ गया, वो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, +25 जो कि बन जाएगा 34। 34 क्या है, एक रियल नंबर। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन ये कहती है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि आने वाला नंबर रियल हो। तो एक बात याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, हमेशा हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - आयोटा, सवाल लिख कर आया आपके पास 2 आयोटा + 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, इमेजिनरी पार्ट क्या है ये 2, तो ये होगा -2 आयोटा + 1। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। कभी भी रियल नंबर की रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी। अब सवाल को इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कराएंगे 3 - 5 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 3 - 5 आयोटा से, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 7 - 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 आयोटा, इसी तरीके से 3 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 5 आयोटा से, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 7 × 3 = 21, 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 आयोटा से, तो माइनस का 35 आयोटा, 9 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 से, 3×9 = 27 आयोटा, और माइनस का 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -, -, +, 45 आयोटा² नीचे बच्चों फॉर्मूला बंद हो जाएगा a²-b² का, ए की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा, तो ये आ गया 21 माइनस का 35 और माइनस का 27, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 62 आयोटा। 45 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ये हो गया 9 - 5² और आयोटा का स्क्वायर, तो 21 - 62 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 9 - 25, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1,
इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। 21 माइनस 45 हो जाएगा 24, माइनस 62 आयोटा अपॉन 9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25, तो ये आ जाएगा माइनस 24 माइनस 62 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 34। क्योंकि ऑडिट पेयर फॉर्म में इसमें हमें लिखना होगा तो हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, 24 के नीचे 34 अलग आएगा, 62 आयोटा के नीचे 34 अलग आ जाएगा, कैंसिलेशन कर देंगे। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 7 14, तो ये आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 17। यहाँ पे भी 2 3 6, 2 1 2 और नीचे 17 आ जाएगा, मतलब 31 अपॉन 17 आयोटा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट क्या है माइनस 12 अपॉन 17 रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को छोड़ के जो भी नंबर है ये माइनस का 31 अपॉन 17, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई मसला इस सवाल में, कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप लोग प्लीज पूछ लें मुझसे। सेकेंड लास्ट स्टेप देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम बस ब्रेक कर दिया है 34 को, मैंने इसके नीचे भी और इसके नीचे भी लिख दिया, तो ये माइनस 24 अपॉन 34 और माइनस 62 अपॉन 34, तो 24 और 34 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 12 अपॉन 17 आ गया, 62 और 34 कैंसिल आउट हो गए तो 31 अपॉन 17 आ गया। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, जो पहला नंबर है जिसमें आयोटा नहीं है ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट पहले लिख दिया कॉमा, इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को छोड़ के जो भी नंबर है माइनस का 31 अपॉन 17, वो लिख दिया और आंसर हो गया ये हमारा। जी बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड होगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 प्लस 5 आयोटा है तो मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस 5 आयोटा से, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 3 माइनस 5 आयोटा से। नहीं बेटा डेसिमल में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में ही लिखना है। आप पूरी किताब में ही देखिएगा फर्स्ट ईयर की जो है उसमें सारी जगहों पर फ्रैक्शन में ही आंसर्स लिखे होते हैं, कहीं पर भी हम जो है वो डेसिमल में नहीं लिखते हैं। बुक में भी क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। कॉपी कर लें इसे तो फिर बताते हैं आप लोग मुझे। बेटा ऐड किया भाई, कोई और रिक्वेस्ट नहीं आई भी मेरे पास।
उनकी रिक्वेस्ट नहीं आई भी बेटा तैयबा की। अब आइए, अच्छा बेटा मैं जो है ना चैप्टर नंबर 2 को इसी तरीके से कराता हूँ कि मैं एक जैसे सवाल पहले कराता हूँ। तो अब जैसे कि डिवीजन का सवाल हमने किया चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में, अब मैं डिवीजन के और जहाँ जहाँ सवाल आते हैं वो सारे कराऊँगा आपको। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। क्वेश्चन 5 में इवेल्युएट कहा हुआ है Z1 अपॉन Z2 और नीचे लिखा हुआ है वेयर Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 हमें निकालना है, मतलब Z1 की जगह आ जाएगा ऊपर 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, क्योंकि जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी, मतलब 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करा देंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से प्लस का 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 3 और 2 आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा ऐड हो जाएंगे तो 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया 3 प्लस 5 आयोटा -2, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ गया 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 13। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1 के नीचे 13 लिख देंगे, 5 के नीचे भी 13 लिख देंगे। अब इसमें सवाल क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर दें, अगर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रियल पार्ट पहले आएगा, रियल पार्ट है 1 अपॉन 13 कॉमा इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5 अपॉन 13। हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल किया जिस तरीके से पिछला सवाल हमने किया था। ओके, तो आपको होमवर्क में डिवीजन वाले सवाल बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7 करना है, एक्सरसाइज
2.2 से एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल है पेज नंबर 32 पे, एक एग्जाम्पल है ये करनी है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और पार्ट 3, 4 दोनों करने हैं। ये है एक्सरसाइज 2.3 के। अभी 2.2 कंप्लीट आपको पता ही है कि नहीं हुई है। हम मैंने वही कहा कि जो डिवीजन के जितने भी सवालात होंगे इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर हम मिलकर करेंगे, तो आपको ये सवालात होमवर्क में करने होंगे। इसको कॉपी सब लोग कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। पार्ट 5 और 7 क्वेश्चन नंबर 8 के हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.2। और पार्ट 3 और 4 है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 के, क्वेश्चन नंबर 8 है। चले हम लोग आगे। ओके, वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 किस क्वेश्चन के करना है? उमर आपने यही पूछा है सर, ये इवेल्युएट सॉल्व सिंप्लीफिकेशन में क्या फ़र्क है? सबका मतलब यही है, इसको सॉल्व करना है बेटा। इवेल्युएट का मतलब भी ये सवाल को सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब भी ये सवाल को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को करा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस।
ठीक है, तो अब इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इस इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसमें हमें क्या निकालना होगा? अननोन क्या दिख रहा है आपको? एक्स वाई दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक्स वाई फाइंड आउट करना है। सबसे आसान काम ये कर लेते हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। -4,7 डिवाइडेड बाई 2,3 हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखे हुए, ये एक्स आ जाएगा, कॉमा की जगह प्लस की साइन, वाई के साथ आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे -4, ऊपर यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, प्लस की साइन आ जाएगी, 7 के साथ आ जाएगा आयोटा। नीचे आ गया 2, कॉमा की जगह प्लस की साइन, 3 आयोटा हो जाएगा। वही बात है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब है कि इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, किससे? कॉन्जुगेट से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 - 3 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 2 - 3 आयोटा से। एक्स प्लस वाई आयोटा आ जाएगा हमारे पास, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 4 2 8, माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 7 2 14 आयोटा। 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, माइनस का, तो माइनस का 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बंद हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई आयोटा आ जाएगा -8, 12 और 14 ऐड जाएंगे तो 26 आयोटा आ जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। नीचे हो जाएगा 4 - स्क्वायर 3 पे आएगा 9, नीचे भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब है उसकी जगह -1 रख देंगे। एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -8 + 26, ये माइनस माइनस +21 डिवाइडेड बाय 4 -(-+9), तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -8 और 21 सॉल्व हो जाएंगे तो 13 + 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 13 के नीचे भी 13 आ जाएगा, 26 के नीचे भी 13 आ जाएगा। 13 1 13, 13 2 26। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा इक्वल आ जाएगा 1 + 2 आयोटा के। अच्छा बेटा, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में आ गई है इक्वल टू की साइन। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन आएगी तो इसका रियल पार्ट क्या है? एक्स। इसका रियल पार्ट क्या है? 1। दोनों के रियल पार्ट बराबर हो जाएंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएंगे। Therefore, x बराबर आ जाएगा 1 के, y बराबर आ जाएगा 2 के, तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा।
कॉपी करने तो बच्चों बता दें मुझे। जी बेटा फेडरल बोर्ड का आ गया है लेकिन सिंध बोर्ड का नहीं आया है। ओके मिटा दूं मैं इसे। अच्छा सुफान बेटा वेट कर रहा हूँ। बेटा सेकेंड लास्ट स्टेप में मैंने ये कहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन आ जाती है तो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाता है। मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर है 1 + 2 आयोटा के। दोनों जगहों पे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसका रियल पार्ट एक्स है, इसका रियल पार्ट वन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका रियल पार्ट टू है, इसका रियल पार्ट वाई है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब एक्स आएगा 1, वाई आएगा 2। ठीक है तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है एक्स प्लस 2 वाई आयोटा का स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस आयो सॉरी बराबर है एक्स आयोटा के। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आयोटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 = 4 एक्स वाई आयोटा प्लस 4y² आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा प्लस 4y आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4y आयोटा वाई स्क्वायर सॉरी -4y² नहीं ना आयोटा हट गया मैंने गलती कर दी है। ये माइनस हो जाएगा मतलब माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 4y² हो जाएगा। साथ में हमने लिख दिया 4xy आयोटा और ये बराबर हो गया किसके एक्स आयोटा के। अब अगर मैं बात करूं इस साइड की तो इस साइड पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे रियल नंबर नहीं लिखा हुआ। तो बेटा अगर यहाँ पे रियल नंबर नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे रियल नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे रियल नंबर क्या है, 0 है। क्योंकि अगर मैं इसमें 0 ऐड करा दूँ तो 0 ऐड कराने से इसमें फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन 0 ऐड कराने से थर्ड स्टेप समझ नहीं आया बेटा। देखे ना यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर आ गया,
अच्छा देखिए बेटा, जीरो लगाने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि जब भी आपके पास इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसमें रियल नंबर क्या है उसके साथ, जीरो। जीरो लगाने से फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन है, रियल नंबर क्या है यहाँ पे, ये रियल नंबर है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आयोटा नहीं है। इसका रियल नंबर ये और इसका रियल नंबर क्या है, जीरो। रियल नंबर के बराबर हो जाएगा, सही है। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा है ना बेटा मैंने, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा है, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -का 4y² हो गया, और मैंने माइनस के 4y² को एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, और ये 4xy आयोटा को मैंने बाद में लिख दिया। 2 मिनट दीजिए, अजान हो रही है। अच्छा तो बेटा गानिया, आप ये पूछ रही हैं कि -2 माइनस आयोटा का ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। -2 है, इस आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, मतलब मैं आयोटा को ये लिख सकता हूँ 1 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट -2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, आयोटा को छोड़ के क्या है, -1। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अच्छा तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि बीच में इक्वल टू की साइन आ जाए तो होगा क्या, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट बराबर हो जाएंगे, मतलब x² - 4y² हो जाएगा 0 के बराबर। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 4xy। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, x। दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएंगे, मतलब 4xy बराबर हो जाएगा x के। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स को हम इधर ले जाएंगे, 4xy - x बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 4y - 1 = 0। इधर और करेंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा बच्चों 0, 4y - 1 आ जाएगा 0 के बराबर, मतलब 4y आ गया 1 के बराबर, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/4 के। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ये जो x और y की वैल्यूज आई हैं उनको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। बेशक सबसे पहले हम रखेंगे x = 0। नाउ पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x² की जगह 0 का स्क्वायर -4y² = 0। 0 हट जाएगा, माइनस का 4y² आ जाएगा 0 के बराबर, मतलब y² आ जाएगा क्योंकि -4 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास दोनों साइड्स पे हम रूट लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। सही है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो दूसरी वैल्यू आई है इसको भी हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग y = 1/4 इन इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन वन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वाई की जगह आएगा बच्चों 1/4, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 1 = 4, 4 4 = 16। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 आ जाएगा 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1/4 के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। सही है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, x 0, y 0 आया है, x आया है प्लस माइनस 1/2, जब y क्या है हमारे पास 1/4। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। इस सवाल में कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज आप लोग पूछ ले मुझसे। मिटा हमने इक्वेशन वन में वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास दूसरी इक्वेशन से आई हैं। जी बेटा सुभान, सब कुछ ही कॉपी करना होगा और क्या करना होगा। सही है, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो इस इक्वेशन से आई हैं। सही है, तो इस इक्वेशन से जो वैल्यूज आई हैं अब वो कहाँ रखी जाएंगी, बच कौन सी इक्वेशन गई है, ये बची है सिर्फ, और तो कोई इक्वेशन नहीं बची ना, तो इसी में रखनी होंगी हमें दोनों वैल्यूज बारी बारी, पहले एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू। बेटा हमने 4y इज इक्वल टू 1 से, मतलब यहाँ पे हमने x x इसलिए कैंसिल नहीं करा क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी होती हैं जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करा, मैंने x को मैं उस साइड पर ले गया तो माइनस का x हो गया, और यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया x, तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1/4 आ गई। अब क्योंकि मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं तो इन दोनों वैल्यूज को मैं बारी बारी इक्वेशन वन में रखूंगा ताकि मेरे पास और वैल्यूज आ जाएं। मैंने तो उसके बाद सिर्फ आंसर लिखा है और कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू जब 0 रखी तो वाई 0 आ गया, तो मैंने लिख दिया एक्स 0 वाई 0। जब मैंने एक्स वाई की वैल्यू 1/4 रखी तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो मैंने एक्स की ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब मैंने आंसर को एक जगह पर लिख दिया कि ये आंसर है इसका बस। अरे बेटा ये -2 -1 ये मैं बता देता हूँ, एक बच्चे ने पूछा था ये, उस वक्त मैंने लिखा था ये कुछ नहीं है, सवाल कैसा नहीं है ये।
जी बेटा, ये सवाल सेक्शन बी, चैप्टर टू आते ही सेक्शन बी में। जी बेटा उमर, आप सही कह रहे हैं। कॉपी कर लें तो आप लोग फिर मुझे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। जी मुदस्सिर बेटा बोलें। नहीं मसला नहीं है यहाँ पे इतना खास, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि तुम साथ ही लिखो, क्योंकि एक्स जीरो पे वाई जीरो आया है तो उसको साथ लिखो, और एक्स प्लस माइनस मतलब वाई 1/4 पे एक्स प्लस माइनस 1/2 आया है तो उसको साथ लिखो, ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ ये कि नीचे वाले ऊपर लिख दो और ऊपर वाले नीचे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिटा दूँ मैं इसे? ओके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। माइनस एक्स कॉमा 3y इज इक्वल टू 2,0। ये सवाल तो बहुत ही आसान है। सही है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो माइनस एक्स कॉमा की जगह प्लस की साइन, ये हो जाएगा 3y i, ये 2 आ गया, ये प्लस 0 के साथ आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में इक्वल टू की साइन है, इसका रियल पार्ट है माइनस एक्स, इसका रियल पार्ट है 2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2 के। फिर उसके बाद 3y और 0, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है। ये माइनस की साइन उधर चली जाएगी, मतलब एक्स आ जाएगा -2, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 होमवर्क है। ओके गुड। अच्छा बेटा, माइनस एक्स बराबर है 2 के, बेटा एक्स के आगे मैं कह सकता हूँ ये -1 है, मतलब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, मैं ये कह सकता हूँ इसे -1 यहाँ डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/-1 हो जाएगा। माइनस की साइन नीचे लिखें ऊपर लिखें एक ही बात होती है, तो अगर मैं माइनस की साइन ऊपर लिख दूँ तो -2/1 जो कि क्या हो जाएगा -2। तो आसान अल्फाज में अगर आपके पास यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो उस माइनस को हम उधर कन्वर्ट मतलब उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
बेटा राफे की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, अगर आई हुई थी तो कर देता मैं उसे। हाँ बेटा टेस्ट के वाले तो सर अकरम आपको बताएंगे कि इसका ट्रेन टेस्ट कब होगा, मैं फिर भी आज उनसे कह दूंगा तो वो आपको खुद ही कल बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ, एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, कैसे निकालें सवाल ये पैदा होता है। बहुत आसान सा काम है। फॉर एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना। एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाय 3.8, तो माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इन दोनों से, तो हमारे पास आ जाएगा 3.-8, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा ये। जब भी एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को, एक की बात है। फॉर मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालने के दो रास्ते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फॉर्मूलों से करते हैं इसको सॉल्व और कुछ जो है वो इसका जो बेसिक मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। मैं पहले बेसिक मेथड की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के लिए क्या करना होगा हमें, हाँ ए आई लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको डिवाइड में लिख देंगे, मतलब 1/-3.8, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है। इस वैल्यू को हम लिखेंगे -3, कॉमा की जगह आ जाएगी प्लस की साइन, -3+8i। नीचे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा कॉन्जुगेट से, जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कॉन्जुगेट क्या होगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -8i हो जाएगा ये। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर आएगा 1/-3 +8i, मल्टीप्लाई कराएंगे -3 -8i से, डिवाइड कराएंगे -3 -8i से। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ये ऊपर वाली वैल्यू 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, a की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, b की जगह आ जाएगा 8i, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास -3 -8i, 3² 9 हो जाएगा, -3 का 8² 64i² तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स आएगा -3 -8i डिवाइडेड बाय 9, -64i² की जगह -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 -8i/9+64, -1+ हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा g
जी बेटा, हमेशा प्लस की साइन आएगी कॉमा की जगह। -3 -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। एलसीएम अगर ब्रेक कर दें हम यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, -3 के नीचे भी 73 आ जाएगा, -8 आयोटा के नीचे भी 73 आ जाएगा, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। रियल पार्ट हमारे पास है -3/73, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -8/73, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। जी अच्छा बेटा, आप इसको कॉपी करिएगा, फिर मैं आपको जो है ना इसका एक और मेथड बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, जो कि 3 लाइनों में उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उसका। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड में, कोई मसला नहीं है। सब कॉपी कर लें तो मुझे बताते हैं। ओके गुड। अबे क्या क्या सवाल आज पूछ रहा है, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? कोई भी नहीं है भाई, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी एक चीज़ है उसका कोई भी फादर नहीं है। मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ चीज़ें उनके जो है फादर्स बताए हुए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का कोई फादर नहीं है। बता दूं ओके। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, -3.8। भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉमा बी बराबर है
ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले का रेफरेंस जो हम सॉल्व कर लें, ये फॉर्मूला बना उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सवाल ये कराया था पीछे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये रेफरेंस देना लाजमी है। ए क्या है पहली वैल्यू, बी क्या है दूसरी वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास यहाँ पे। ए आएगा मतलब माइनस थ्री अपॉन ए का स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब कॉमा माइनस बी की जगह आ जाएगा एट अपॉन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन नाइन प्लस सिक्सटी फोर माइनस एट अपॉन नाइन प्लस सिक्सटी फोर, तो ये आएगा माइनस थ्री अपॉन सेवेंटी थ्री कॉमा माइनस एट अपॉन सेवेंटी थ्री, आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं आप, ये ज़्यादा आसान मेथड है, मतलब जल्दी आंसर आ गया इससे। बेटा सवाल अगर आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर ये सवाल आएगा तो मतलब दो पार्ट्स आएंगे ढाई ढाई नंबर के। हाँ ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल आते हैं ना डिवीज़न वाले आते हैं ज़्यादातर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। वैसे वो असाइनमेंट आपको जब मिल जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है आज के लिए इतना रहने दे अबे भाई, अभी तो टाइम है यार। भाई क्यों नहीं किया नाश्ता पहले, उठते ना भाई जल्दी उठ के नाश्ता करते। एक सवाल और करा रहा हूँ फिर उसके बाद ऑफ कर देता हूँ। सही है क्वेश्चन नंबर एट पार्ट वन, टू माइनस आयोटा की पावर फोर, लास्ट पेज का एक स्टेप नहीं लिखा, चलो पीछे चला जाता हूँ मैं। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट्स तो ले लिया, मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद। देख लो यार जो नहीं करा आपने जल्दी से।
ओके हाँ, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है 2 - i की पावर 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पावर को ब्रेक कर लेंगे 200 में स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। अंदर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 4i, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो 4 - 1 3, 3 - 4i का स्क्वायर हो गया ये। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 9 - 4 = 12, 12 2 = 24i प्लस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो ये गया 9 - 24i - 16, तो 9 - 16 तो -7 - 24i। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सारा होमवर्क में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप आसानी से नोट डाउन कर लें। एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, 3, 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, 3, 4 फाइव फाइव सेवन करना है। और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 4 ये करना है। तो ये छोटा सा होमवर्क है, ये आपको आज रात 12 बजे से पहले पहले जो है वो भेजना होगा। और कोई चीज पूछनी हो आप लोगों को? हाँ, एक एग्जाम्पल भी थी, सही याद दिलाया उमर ने, एक एग्जाम्पल भी थी जो कि पेज नंबर 32 पर है। तो बस ये छोटा सा होमवर्क है आपको करना है, इंशाल्लाह आप करके जो है वो आप लोग भेज दिएगा। बाकी है कि फिर हम आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो जी बेटा, मैंने एक ही जगह लिख दिया सारा होमवर्क। आसान बेटा, पहली बात तो ये कि अब सो रहे थे, आपने क्लास अभी ज्वाइन करी है, मतलब 10-15 मिनट हुए आपको। छोड़ो बेटा, जिसने भी किया ये काम, नेक काम किया दानियाल। अच्छा, तो मैं अब क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।